दुकान है, दुकान खोलने जा रही हो क्या? जो आ रहे हैं सामान लेके, उन्होंने कहा कि ट्रेन आ गई है और आप देख सकते हैं यही ट्रेन है। ये ट्रेन आ गई है, विक्रमशिला एक्सप्रेस जो दिल्ली जाती है। क्या हो गया ना, इधर साइड में क्यों खड़ी हो? आ जाओ इधर, आ जाओ। आई, इसको पता है कि इसको लगने वाला है। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम हैं लखीसराय स्टेशन, रेलवे स्टेशन और क्यू रेलवे स्टेशन के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। और ये ऊपर रेलवे पुल है जो लखीसराय और क्यू जंक्शन को जोड़ती है। एक काम था, उस काम को आज हम पूरा करने के लिए आए हुए थे। एक्चुअली में नेहा के घर से कुछ सामान आ रहा है, खाने पीने का सामान है शायद। 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, उसी के खुशी में कुछ सामान है, तो वो सामान पहुंचाने के लिए एक आ रहे हैं, उन्हीं से हम आज सामान लेने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखे तो सोचे यहीं पे रुक के वीडियो स्टार्ट कर दे। बहुत ही क्यूट पपी है और देखने में तो रॉट व्हीलर लग रहा है, लेकिन ये रॉट व्हीलर है नहीं। ओए आ जा टफी, ओए टफी। इसको कुछ नहीं पता कि इसका नाम टफी है कि क्या है, बस चला गया यहाँ से जैसे इसका नाम लिए। बाय। अभी कॉल आया था, जो आ रहे हैं सामान लेके, उन्होंने कहा कि ट्रेन आ गई है और आप देख सकते हैं यही ट्रेन है। ये ट्रेन आ गई है, विक्रमशिला एक्सप्रेस जो दिल्ली जाती है, और इसी ट्रेन से वो आ गया है। अभी जा रहे हैं, उससे सामान लेंगे पहले, उसके बाद ब्लॉग में बने रहिएगा आप। सारा सामान आया है, पूरा एकदम भर के है थैला। हमको पता नहीं था, हम तो बाइक से आ गए थे, अकेले ही आ गए थे। पता रहता तो किसी को लेके आते साथ में। लग रहा तुम बोरा में घुस लो, पता है नेहा बोरा में घुस गई। नेहा अपना पिटारा खोल रही है जो उनकी मम्मी के यहाँ से आया था। ये क्या है? ये लाई है, लाई। ये फरी का लाई है, मुड़ी का ना, मुड़ी का। वाह, खाओ। डिब्बा भी नहीं है, डिब्बा है ना मुड़ी वाला, वही खाली हो गया था। सब मुड़ी पन्नी में रख दो, उसमें डाल दो। ओ, ये भी मुड़ी वाला है, इतना सारा तो। तुम तो खाती हो नहीं, वही तो सिप कर रही हो। और एक वो है, दो हो गया। और एक वो है तो खाना आराम से। तो चूरा वाला, ये चूरा का है, चूरा वाला तो हम खाते, हम तो चूरा वाला होगा एक और। नहीं, मुड़ी वाला। चूरा वाला तो हम खाते ही है और मुड़ी वाला भी खाते हैं, लेकिन तुम मुड़ी लग रहा है। हाँ मुड़ी है, तुम तो चूरा वाला नहीं खाती हो। लेकिन और क्या है? और निमकी, ये तो मौसी भेजी है पक्का। मटरी, हाँ निमकी। अरे तो खाने का पिटारा खोल रही है नेहा। और ये मुड़ी, ओ वाह, ये तो उसका मुड़ी होगा ना, कर का। अब होगा चूरा। रखोगी कहाँ इतना सारा आइटम है? ये है उसका बादाम, बादाम का, गुड़ का, बादाम और गुड़ का। खुश कितना हो रही है नेहा, बाप रे बाप। इतना सारा बर्बाद हो जाएगा, क्यों खाओगी ना? बर्बाद क्यों होगा, ना खाएंगे, कितना खाएंगे, धीरे धीरे खाओगी। फ्रिज में रख दिए है, और कलाई का दाल और चावल थोड़ा सा। नेहा बाप रे, खाओ अब आराम से नेहा चौधरी। हम इतना खा पाए, हम तो टेंशन उड़ाए। टेंशन क्यों हो रहा है, क्या रहा है ना खाने के लिए? क्या रहा, क्या खाएगी, क्या रहा, क्या खाएंगे, यही और क्या, बहुत ज्यादा है। थैंक यू बोलो। थैंक यू ऐसे कौन बोलता है थैंक यू? थैंक यू किसको बोले, थैंक यू मम्मी को कि मौसी को, दोनों को कि मामा को, तीनों को। दुकान है, दुकान खोलने जा रही हो क्या?
दुख लाइक उसका इंस्टाग्राम का दुकान। हाँ जाओ खोल लो, सब बिक जाएगा खट 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 ना। और कर रही हूँ क्या हो गया ना, इतना साइड में क्यों खड़ी हो, आ जाओ इधर आ जाओ। आई इतना स्पीड में आती है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, तो आज है 14 जनवरी और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग तो उठ गए हैं और नेहा पूजा भी कर ली आज, और क्यारा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात भर सोई नहीं है। सुबह से कितने बजे से, लगभग 4 बजे सुबह से मेरे गोद में ही सोई है क्यारा, और उसके बाद से नेहा के गोद में। और अभी उठे हैं, अभी हम लोग का बज रहा है 11:30 और अभी नाश्ता बना रहे हैं क्योंकि क्यारा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। नाश्ता बन चुका था। हाँ आप लेट से, हम लेट से उठे थे क्योंकि लेट से सोए थे। तो आज हम लोग दही चूड़ा खाते हैं, लाई और तिल का तिलकुट, बहुत सारा चीज़ खाते हैं। लेकिन हम लोग को सबको खांसी सर्दी है आज, तो इसलिए आज इस बार हम लोग थोड़ा सा खा के उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन ज़्यादा आज हम लोग खाएंगे नहीं ना। कहाँ ला रहे हैं टेबल। और आज रोटी भी नहीं बनता ना, रोटी नहीं बनता है आज, दही चूड़ा सब्जी लाए तिलकुट ये सब खा सकते हैं, लेकिन अगर मतलब जो दही चूड़ा नहीं खा सकता तो पूरी खा सकता है ना। तो लीजिए दही चूड़ा थोड़ा सा और लाए सब मम्मी भेजी थी और तिलकुट और सब्जी। हम अकेले खाएंगे इतना क्या, नहीं दोनों खाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो आओ जल्दी खाओ बैठो, दही चूड़ा तो हमने खाएंगे, थोड़ा सा खा लेना एक चम्मच, देखते नहीं खा ही लेना। गाइस क्यारा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ऐसा है आप देख सकते हैं कितना रो रही है, कितना रो रही है। और ऐसा नौबत आ गया है कि अब इसको इंजेक्शन देना होगा हम लोग को, तो इंजेक्शन देने के लिए अभी बुलाए हैं, तो आने वाले हैं। इसको पता चल गया कि इंजेक्शन लगने वाला है। तुमको नहीं दे, मम्मा पापा को देंगे, पापा को। आ बेटा, आ नहीं नहीं नहीं, सुई लगी, सुई लगी। नहीं, तुमको नहीं देंगे, तुमको नहीं देंगे। खाती नहीं है कुछ। दिन भर ऐसी रोते रहती। अच्छा हुआ तो। तुमको नहीं देंगे, नहीं देना है क्यारा को, नहीं देंगे। मम्मा को देखी, मम्मा को इंजेक्शन लगेगा। कोको को देंगे, चलो कोको को दे, कोको को दे दे, इसको पता है कि इसको लगने वाला है। तो क्यारा को इंजेक्शन लगने के बाद और ज़्यादा रोने लग गई है, और अभी आपने देखा कि इंजेक्शन लगा है। तो मकर संक्रांति का आज शाम है और हम लोग वीडियो भी इसलिए शूट नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही इंजेक्शन इसको लगा इसको नींद आने लग गया। अभी इसको 10 दिन का इंजेक्शन लिखा है, पता है तुमको, अभी बोल रही आज दूसरा ही दिन है, बोल रही है नेहा अब नहीं। क्या हो क्या रहा बेटा, नीनू आ रही है। तो देख सकते हैं क्यारा के लिए कितना सारा खिलौना इसको खेलने के लिए दे रहे हैं, कितना सारा खिलौना, इसका पूरा बेड पे खिलौना ही है, लेकिन ये बस इसको इतना दर्द में है कि रो रही है। अच्छा चुप मत रो, सुई पड़ गया, क्या बोल रही है। तो गाइज यही करते करते हम लोग का दिन आज का समाप्त हो गया, और क्या बताएं, मतलब बहुत परेशान थे हम, नेहा सब परेशान रहे, और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म हुआ। और एंड करते हैं इस वीडियो को,